Morning students, today I am going to explain the poem The Rainbow. Now children, tell me, have you seen a rainbow? Yes, if you have seen it, where did you see it? Yes children, we can see it a rainy season and in the sky. Okay, there are seven colors on it that you can see here. This is the rainbow, and the first color is violet, and the second color is indigo, the third color is blue, fourth color is green, fifth color is yellow, sixth color is orange, and seventh color is red. There are seven colors on it, and its short form of VIBGYU. Children, आप इसको अगर इसके सेवन कलर्स को लर्न करना है तो हम शॉर्ट फॉर्म में कैसे पढ़ लेते हैं? VIBGYU. VIBGYU, it means V is called violet, I is called indigo, B is called blue, G is called green, Y is called yellow, O is called orange, R is called red. Okay, हम इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या पढ़ लेते हैं? VIBGYU. तो हमें इसके सेवन कलर्स इंडिकेट हो जाता है, इससे हम सेवन कलर्स को आसानी से याद कर सकते हैं ना. ये हमें कहाँ दिखाई देता है? ये हमें स्काई में दिखाई देता है ना. इट्स लुक लाइक अ ब्रिज. देखिए चिल्ड्रन, ये कैसा दिख रहा है? ब्रिज की जैसा दिख रहा है. आप यहाँ पर देखोगे, यहाँ पर मैनी थिंग्स है, यहाँ बहुत सारी चीजें हैं. वी कैन सी मैनी थिंग्स, बोट, यू कैन सी ट्रीज एंड रेनबो. रेनबो हमें कहाँ दिख रहा है? क्लाउड्स में, है ना. क्लाउड्स भी दिख रहे हैं इन दिस पिक्चर. बट मोस्ट ब्यूटिफुल थिंग्स, लेकिन सारी चीज़ों से सुंदर कौन सी चीज़ दिख रही है हमें? रेनबो, क्योंकि इसमें सारे कलर है ना. रेनबो इज सो प्रेटी. सो लेट्स रीड द पोम अबाउट द रेनबो. बोट्स सेल ऑन द रिवर्स एंड ships sail on the seas, but clouds that sail across the sky are prettier far than these. It means children, जो कि boats है, जो कि कहाँ चलते हैं? जो कि river में sail करती है. और जो ship है, जो ships है, वो कहाँ sail करती है? Seas में. क्योंकि seas जो होती है, वो क्या होती है? बहुत बड़ी होती है. इसलिए वहां पर क्या होता है? बड़ी बड़ी सिप सेल करती है ना. और जो क्लाउड है वो कहाँ चलते हैं? अक्रॉस द स्काई. क्लाउड कहाँ चलते हैं? स्काई में सेल करते हैं. इट मीन्स जो कि बोट होती है वो रिवर में चलती है, जो सिप होती है वो सीज में चलती है, और जो क्लाउड्स होती है वो स्काई में चलती है. ये सब चलती हुई बहुत अच्छी लगती है. लेकिन जो इन सबसे अच्छी चीज लगती है वो क्या है? क्लाउड, जो कि अच्छी लगती है, जो कि स्काई में चलती है. बट यहाँ पर जो सबसे अच्छी चीज क्या है? प्रिटर देन फॉर दी, जो सबसे अच्छी लगती है वो क्लाउड है ना. नेक्स्ट स्टेंज क्या है? देयर आर ब्रिजेस ऑन द रिवर्स एज प्रिटी एज यू प्लीज, but the boat that bridges heaven over the tops of trees and builds a road from the earth to sky is prettier far than these. river par jo bridge bane hote hain jo ki bahut sundar lagte hain, aur jo boat hota hai jo ki trees ke upar hota hai, bridge bana hota hai, wo kahan hota hai? sky mein, जो कि कैसा लगता है? प्रिटीज, है ना. प्रिटीज फॉर दैट दीज, और सबसे अच्छा लगता है, जो कि सुंदर लगता है.
नाउ चिल्ड्रन, इस स्टेंजा में क्या बताया गया है कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो मैनमेड होती हैं और कुछ चीजें कैसी होती हैं, नेचुरल होती हैं। लेकिन मैनमेड थिंग्स के अकॉर्डिंग नेचुरल थिंग ज्यादा सुंदर लगती है। ओके, लेट्स अगेन रिसाइट द पोएम। बोट्स सेल ऑन द रिवर्स एंड शिप्स सेल ऑन द सीज, बट क्लाउड्स दैट सेल अक्रॉस द स्काई आर प्रेटर फॉर देन दीज। देयर आर ब्रिजेस ऑन द रिवर्स एज प्रिटी एज यू प्लीज, बट द बोट्स दैट ब्रिजेस हैव एन ओवर द टॉप्स ऑफ ट्रीज, बट बिल्ड्स अ रोड फ्रॉम द अर्थ टू स्काई इज प्रेटर फॉर देन दीज। ओके, आई होप आपको ये पोम बहुत अच्छी लगी होगी।